नमस्कार दोस्तों, आज अपन देखेंगे महिंद्रा की फ्यूरिया 17 टन। आप देख सकते हो आगे से कैसे दिखती है महिंद्रा की ये फ्यूरिया 17 टन। बीच में महिंद्रा का लोगो, साइड में महिंद्रा की ब्रांडिंग और इधर मॉडल फ्यूरिया 17। साइड से देखे तो इस प्रकार से दिखती है। MDI टेक्नोलॉजी बी6 व्हीकल। टायर की साइज़ की बात करें तो इसमें टायर आते हैं 275x80 आर 22.5, जो इसकी रिम साइज़ है वो 22.5 इंच की रिम साइज़ है। केबिन के पीछे के साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको गुलंडर वाने के लिए साइड में मिल जाता है। केबिन उठाने के लिए यहाँ पे लीवर आपको दे दिया गया है। बैटरी की बात करें तो इसमें एक साइड की बैटरी मिल जाती है। स्पेयर व्हील आपको कोडाइवर साइड में स्पेयर व्हील मिल जाता है। पीछे की टायर की बात करें तो पीछे के टायर 275x80 आर 22.5 सेम साइज़ के आपको रेडल टायर पीछे के साइड में भी मिल जाते हैं। साइड से गाड़ी को देखिए तो अपने इस प्रकार से गाड़ी फिर हुए दिखती है। पीछे की साइड से देखें तो अपने को इस प्रकार से व्यू महिंद्रा की गाड़ी का मिलता है। टेलगेट पे महिंद्रा का उससे ब्रांडिंग मिल जाती है। नीचे के साइड में आपको सेफ्टी गार्ड्स मिल जाते हैं। साथ में आपको रिवर्स पार्किंग के लिए यहाँ पे सेंसर मिल जाते हैं। टोटल 4 सेंसर आपको मिल जाते हैं, 2 लेफ्ट साइड में 2 राइट साइड में। इस प्रकार से आपको महिंद्रा की लोड बॉडी मिल जाती है। अभी मजबूत लोड बॉडी दी गई है इस गाड़ी में। ड्राइवर साइड से देखे तो इस प्रकार से आपको गाड़ी दिख जाती है। फ्यूल टैंक और एडब्यू टैंक आपको ड्राइवर साइड में भी मिल जाता है। दोनों आपको ड्राइवर साइड में ही मिल जाता है। एयर फिल्टर निकालने के लिए आपको ड्राइवर साइड में मिल जाता है। उसके बगल में आपको एडब्ल्यू टैंक और उसके बगल में आपको फ्यूल टैंक यहाँ पे मेटल का मिल जाता है। केबिन की बात करें तो अपना काफ़ी टाइलिश केबिन इसमें मिल जाता है। डोर खोलने के लिए काफ़ी टाइलिश हैंडल आपको मिल जाता है, काफ़ी स्मूथली खुल जाता है। ड्राइवर को चढ़ने के लिए नीचे फुट रखने के लिए दिया हुआ है। ऊपर जैसे केबिन में चढ़ोगे ऊपर पकड़ने के लिए आपको हैंडल दिया गया। इसी गाड़ी में चढ़ोगे गाड़ी में आप पूरा व्यू देख सकते हो गाड़ी के अंदर का कैसा दिखता है। इधर को ड्राइवर बैठने के लिए जगह दी गई है। आगे का डैशबोर्ड और पीछे के साइड में आपको ड्राइवर को रेस्ट करने के लिए स्लीपर केबिन दे दिया गया है। ऊपर के साइड में देखोगे तो यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए दोनों साइड में आपको जगह दी गई है और ऊपर के साइड में आपको रूफ टैम लैम्प आपको मिल जाता है। डोर पे देखोगे तो आपको यहाँ पे हैंडल पकड़ने के लिए मिल जाता है। डोर खोलने के लिए यहाँ पे लीवर दी गया है। साथ में लीवर डोर लॉक करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ में शीशा ऊपर नीचे करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। साथ में यूटिलिटी के लिए यहाँ पे दिया है, अपने यहाँ पे पानी बॉटल कुछ भी रख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम के लिए आपको स्पीकर लगाने के लिए यहाँ पे जगह दी गई है। गियरबॉक्स देखे तो इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है। साथ में म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए यहाँ पे प्रोविजन दी गई है। यहाँ पे आपको महिंद्रा का जो मल्टी मोड है दी गया है, लाइट और हेवी बटन। साथ में आपको एग्जॉस्ट ब्रेक DPF के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया है। चलो अपन अब मीटर को चालू करते हैं। क्लस्टर को चालू करते हैं, आप देख सकते हो महिंद्रा की ब्रांडिंग आ रही है। काफ़ी टाइलिश डैशबोर्ड इसमें अपने को DI सिस्टम मिल जाता है। DI में आप देखोगे नीचे के साइड में किलोमीटर दिया गया है, बैटरी वोल्टेज वगैरह सब दे दिया है। अब इसमें गाड़ी जैसे चली है तब से माइलेज अपन इसमें चेक करते हैं क्या आ रहा है। ट्रिप इनफो में देखते हैं अपन तो गाड़ी जैसे प्लांट से चल के यहाँ पे आई है तो 1062 किलोमीटर चली है, जिसमें आपको 8.46 का माइलेज मिल रहा है, जो इस गाड़ी के लिए काफ़ी बेहतरीन माइलेज है। जो आपको ड्राइवर के सिस्टम में आपको मिल जाता है। ऊपर के साइड में आपको टायर का प्रेशर, हैंडलबुक का, टैंक का लेवल सब आपको इसमें मिल जाता है।
विंडशील्ड से देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया अपने को व्यू मिल जाता है, तो ब्लाइंड एरिया जो है काफ़ी कम है इस गाड़ी में, तो ये अपने लिए सबसे बेस्ट है। को ड्राइवर के साइड में देखें तो सामान रखने के लिए यहाँ पे अपने को बॉक्स मिल जाता है, उसके ऊपर फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है। तो ये थी महिंद्रा की फ्यूरियो 17 टन। तो दोस्तों बताएं आपको कैसी लगी वीडियो और गाड़ी कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।